गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू TMBS ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 10 कबीर के दोहे नामक पाठ को पढ़ेंगे। कवि कबीर ने बहुत सारे नीति परक दोहे लिखे। नीति परक मीन्स, नीति मीन्स होता है आचरण, बर्ताव कर। हमें इन दोहों से क्या सीखने को मिलता है कि हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए समाज में, घर में, खुद के साथ हमें कैसे करना चाहिए, है ना। तो हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हम इसको अभी पढ़ेंगे और जो भी हमें इसको सीखने को मिलता है हम उसको ज़रूर सीखेंगे। अच्छी बातें जहाँ से भी सीखने को मिलती है उसको तुरंत सीख लेना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है, दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो। कबीर क्या कह रहे हैं, अगर गुरु, गुरु मीन्स शिक्षक, टीचर, और गोविंद, गोविंद मीन्स भगवान। क्या गोविंद किसे कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है। अगर मेरे सामने गुरु और गोविंद एक ही समय में एक साथ खड़े हैं तो मैं किसके पांव पहले छूं, है ना। पाए मीन्स पैर, पांव, किसके छूं। बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। और अगली लाइन में कबीर क्या कह रहे हैं कि मैं पहले अपने गुरु का पैर छूऊंगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो किसने दिखाया है, गुरु ने। ईश्वर को जानने का, उसको समझने का, उस तक पहुंचने की जो समझ है और ज्ञान है वो हमें किसने दिया है, गुरु ने दिया है। और यहाँ पर कबीर जी ईश्वर से बड़ा और उससे ज़्यादा ऊंचा पद किसको दे रहे हैं, गुरु को, अपने गुरु को। और वो कह रहे हैं कि मैं उनके सम्मान में पहले झुकूंगा, किसके, गुरु के सम्मान में पहले झुकूंगा। क्योंकि ईश्वर तक जाने का रास्ता, ईश्वर को समझने का रास्ता हमें किसने दिखाया है, गुरु ने, ठीक। नेक्स्ट, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न होए, जो सुख में सिमरन करे काहे को होए। जब हम दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो हम किसको याद करते हैं, ईश्वर को। पहले हम कोशिश करते हैं कि हमको दुखी ना हो, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। सबके पास अपने अपने अलग अलग तरीके के दुख हैं, कष्ट है ना। लेकिन जब हमारे पर कष्ट आता है, दुख आता है, तभी हम ईश्वर को याद करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम ईश्वर को धन्यवाद बहुत कम ही कह पाते हैं, हमें याद ही नहीं आता कि ईश्वर भी। पर कबीर क्या कह रहे हैं, अगर हम उनको हमेशा उनके बताए हुए मार्ग पर चले, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चले, उनको याद करते रहें और ईश्वर के बताए हुए, समझाए हुए मार्ग पर चलेंगे तो दुख काहे को हो। तो हमें कभी उस कष्ट और उस दुख से गुजरना नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमें सिर्फ दुख में ही नहीं, हमें खुशी में भी ईश्वर का धन्यवाद देना है, उसको हमेशा थैंक यू कहते रहना है कि उसने हमें इस लायक बनाया है कि हम जो कुछ भी आज हम हैं उसी की वजह से हैं। तो हमें हमेशा उसको तकलीफ में ही नहीं, हमेशा खुशी में भी याद करना चाहिए। थर्ड है, जो तोपो काटा हुए ताहे बोए।
कब, ये आप सभी ने सुना होगा, कई बार सुना होगा और आप कई बार इसको रिपीट भी करते हैं। काल करे सो आज का, कल का काम है जो वो आज ही कर लेना चाहिए। आज करे सो अब, जो आज का काम है वो अभी कर ले। इसका मतलब है कि किसी भी काम को बाद के लिए टालना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले मिनट क्या मुसीबत, क्या कष्ट आने वाला है, या हमारे पास क्या पता पर्याप्त समय ही ना हो उस काम को करने का। मान लीजिए आप कह रहे हैं हाँ शाम तक कर लेंगे, मान लो शाम को ऐसा कोई काम निकल आए जो आपका ये काम ना कंप्लीट हो। इसलिए हमें किसी भी काम को बाद के लिए टालना नहीं है ना, जो अभी का काम है उसको तुरंत करके कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि फल में परले होएगी बहुरी करोड़ों का। इसका मतलब है कि आप बाद में आपको नहीं पता कि क्या घटना घटने वाली है, तो आप उस काम को कैसे कर पाओगे, है ना। तो हमें किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए कल के लिए, ठीक। इवन कल का भी जो काम है, अगर आपको पता है कि मुझे कल करना है और आपके पास बानी बोलिए मन का आपा कोई। बानी मीन्स बोली, बानी मीन्स बोली। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई। हमें ऐसी बातें करनी चाहिए कि सामने वाले का जो भी कष्ट है, अहंकार है, घमंड है, वो खत्म हो जाए, ना कि उसको कोई तकलीफ। हमें हमेशा अच्छी ही वाणी बोलनी चाहिए, हमारी वाणी से किसी को भी चोट प्रकार का व्यंग नहीं करना चाहिए, कमेंट नहीं करना चाहिए जो उसको हर्ट करे। हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए आवाज में सामने वाले को। मजाक में भी हमें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए और हमेशा ऐसा ही बोलना चाहिए कि सामने वाले को ठंडक पहुंचे, आराम पहुंचे। और जब आप किसी को हेल्प करते हो, सहायता करते हो, अच्छा बोलते हो, आपको खुद भी अच्छा लगता है। इसका क्या मतलब है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जब दूसरे को आराम पहुँचेगा, दूसरे को आप खुश देखते हो, तो आपको खुद भी खुशी होती है, ठंडक पहुँचती है, ठीक। धर सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा है। यहाँ कबीर जी क्या कह रहे हैं, अगर मैं पूरी धरती को कागज मानूं, कागज मीन्स पेपर, मान लीजिए हम पूरी धरती को क्या मान लें, पेपर मान लें, और जितने भी जंगल हैं उनकी लकड़ियों से क्या मान लें, हम पेन बना लें। लेखनी मीन्स पेन। पहले पुराने ज़माने में लकड़ी की ही पेन होती थी, उसको हम इंक में डुबोकर लिखते थे, है ना। तो कबीर यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर हम पूरी धरती को कागज मान लें और जितने भी जंगल हैं उन सब की हम लेखनी बना लें, सातों समुंदर की स्याही बना लें। मसी मीन्स स्याही, मसी मीन्स स्याही, स्याही मीन्स इंक। अगर हम पूरी धरती को कागज मान लें, सारे जंगलों की लेखनी मीन्स कलम बना लें, और सातों समुंदर की स्याही बना लें, और मैं अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने गुरु का अगर मैं गुणगान करने बैठूं, तो भी ये सारी चीज़ें क्या पड़ जाएंगी, कम पड़ जाएंगी। तो हमारे गुरु, हमारे ईश्वर में इतनी सारी अच्छाइयाँ होती हैं, हमें उनसे उन अच्छाइयों को लेना है, और इन सब से अगर मैं उनके गुणगान करने बैठूं, तो ये सब चीज़ें भी क्या पड़ जाएंगी, कम पड़ जाएंगी। तो हमें इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें अच्छी चीज़ें हमेशा सीखनी ही चाहिए, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो के साथ आपको वर्कशीट सेंड की